आज मैं बनाने जा रही हूँ बेबी पोटैटो की सब्जी, यानी छोटे आलू की सब्जी। इसके लिए यहाँ पे मैंने ये छोटे साइज के आलू लिए हैं और इनको 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लिया है। अब धोने के बाद हमको इसके जो छिलके हैं ना, ये नहीं हटाने हैं, ये अपने आप ही थोड़े थोड़े से धोने से हट जाते हैं। तो अब हम इसको बीच में से 2 टुकड़ों में काट लेंगे। अब इस तरीके से हम इसके 2 पीस कर लेते हैं, जिससे कि बनाने में थोड़ी सी ये इजी हो जाए और जो मसाला भी होता है वो सारा इसके अंदर चला जाएगा। इस तरीके से 2 टुकड़े कर लेंगे। ये देखिए आलू हमने सारे काट लिए हैं। आप अगर इनको साबुत बनाना चाहते हैं तो साबुत भी बना सकते हैं, पर काटने से इसलिए हम काट के बनाते हैं कि अगर कोई आलू अंदर से ख़राब है तो उसका भी मालूम चल जाता है और इसमें मसाला जो है अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। आइए अब हम इसे बनाते हैं। यहाँ हमने गैस ऑन कर दिया है और कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें 1 करछी तेल डालेंगे। मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी तेल खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तेल हमारा जो है वो गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर आधा चम्मच जीरा डालेंगे और ये चुटकी भर हींग डाल देंगे। अब हम सारे आलू इसके अंदर डाल देंगे। अब हम मसाले डालते हैं इसके अंदर। 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और आधी चम्मच हल्दी पाउडर। मिक्स कर देंगे इनको हम, और गैस की फ्लेम को हाई फ्लेम पे ही रखेंगे हम। थोड़ा सा तेज गैस पे ही बनाना है, बिल्कुल धीमी गैस पे हमको नहीं बनाना, वरना जो ये आलू हैं ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। 5 से 7 मिनट के लिए इसे तेज गैस पे सेक लेंगे। ये देखिए बीच बीच में हम इसको चला रहे हैं, उस तरीके से ये सिकते जा रहे हैं। अब ये देखिए ये आलू जो है ये हमारे सिक चुके हैं। अब हम इसको ढक देंगे जिससे ये गल जाएं। बीच में 1-2 बार हम इसको हिला लेंगे। अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं एक बार। जब हमने इनको ढका था तो हमने गैस को स्लो ही रखा है, बस सेकते टाइम ही गैस को तेज गैस पे रखना है। देखिए आलू जो है हमारे ये गल गए हैं। अब हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर। और ये आधी चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, आधी चम्मच से भी कम लिया है मैंने यहाँ पे। और अब हम इसमें डालेंगे ये 1 चम्मच अनारदाना। अनारदाना से इसमें बहुत ही अच्छा खट्टा फ्लेवर आ जाता है। अनारदाना से इसका टेस्ट भी है ये बढ़ जाता है। गैस को बंद कर देंगे और एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी आलू बन करके हमारे तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इसे एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ये देखिए हमारे आलू जो हैं ये बनकर के तैयार हो चुके हैं। आप भी इस वीडियो को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।